हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90। दोस्तों, मैं आज लेकर के आया हूँ UPBTC मैथ और UP लेखपाल या जितने भी कंपटीशन में मैथ पूछी जाती है उत्तर प्रदेश बेस्ड लेवल पर, मैं मैथ लेकर के आया हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 13। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 4। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कल यहाँ तक हम लोगों ने किया था, उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि एक पेटी में एक दर्जन शीशे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक पेटी में एक दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा हो सकता है? ध्यान से समझिएगा। एक दर्जन का मतलब है बारह। अगर 12 को तोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से अगर देखें, ठीक है, ऑप्शन से अगर लगाने की कोशिश करें, ठीक है, तो ऑप्शन से ही सवाल लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन में ही इनको आंसर हम लोग को देना है। ठीक है, और ऑप्शन में डी हो जाएगा 3:1। ठीक है, अब जरा एक चीज़ समझिएगा। ठीक है, ऐसा कोई पार्ट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, मतलब जो इसको हम लोग बांट सकें, ठीक है, 12 को बांट सकें। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ठीक है, 5 2 7, अगर इसको हम लोग 7 कर लें तो पूरा नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 7 और 3 10, अगर पूरा नहीं काट पाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, 3 और 1 4 3 12, एक ये है ऑप्शन, एक ये 3 और 2 5। ठीक है, अब जरा यहाँ से समझिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, कोई वैल्यू रख दें, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कर लें 3x, ठीक है, और यहाँ पर 2x कर लें, या फिर इस तरीके से कर लें, ठीक है, +2x कर लें। इस यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी रख दें, ठीक है, और जो जोड़ने पर 12 आ जाए। ठीक है, तो अगर 2 3 6 और 2 2 4, 6 4 10, ठीक है, और 4 3 12, ठीक है, 3 3 9 और 3 2 6 9 6 15, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो एक चीज़ करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जो पेटी में गिर गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ दूसरे तरीके से लगाएंगे, आनुपातिक योग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 और +2 कर लेंगे तो इसका योग क्या हो जाता है, आनुपातिक जो योग है वो 5 आ रहा है, जो एक दर्जन को विभाजित नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी एक दर्जन को, यानी 12 को विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए आगे की क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यदि x का 10% y का 20% के बराबर है, ठीक है, तो x और y का अनुपात बताइए। x का, ठीक है, x का 10%, ठीक है, y के 20% के बराबर है, तो x और y का अनुपात निकालना है, यानी 10x = 20y, तो x/y बराबर हो जाएगा 20/10। 10 × 10 = 20, 2:1, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सभी लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम लोग चाहें तो बिना कलम उठाए भी लगा सकते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक त्रिभुज की परिभुजाएं दी गई हैं, 1/2, 1/3 और 1/4, त्रिभुज की भुजाओं का परिमाप दे दिया गया है 52 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी भुजा हमको बतानी है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर 1/2 दिया गया है, ठीक है, 1/3 दिया गया है और 1/4 दिया गया है। हमको करना क्या है, पहले बटे को हटा देना है, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम अगर हम लोग देंगे, ठीक है, तो 2 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 2 1 2, ये नहीं कटेगा, 2 2 4, अब 2 और 3 बार कटेगा, 3 2 6 6 2 12। ठीक है, अगर हम पूरे एलसीएम को 12 से गुणा करा दें, अगर इसको 12 से गुणा करा दें, इसको हम लोग 12 से गुणा करा दें, अगर इसको 12 से गुणा करा दें,
दो छक्के 12 तो 6 हो जाएगा, तीन चौके 12, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, और 4 3 12, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, यानी सभी भुजाओं का अनुपात अब इस तरीके से हो गया, अभी बटे में था अब लेकिन इस तरीके से हो गया। और परिमाप हमको दिया गया, ठीक है, परिमाप हमको 52 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। परिमाप ध्यान समझिएगा, परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, सभी जो भुजाएं हमको दी गई हैं, ठीक है, सबसे छोटी भुजा 3 है, ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, परिमाप हमारे सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। चलिए, यानी कि सभी भुजाओं का योग मतलब 6 प्लस 4 प्लस 3, और परिमाप है हमारा 52, ठीक है, 6 4 10 3 13, ठीक है, 13 बराबर हो गया 52, देन 1 बराबर हो जाएगा 13 चौके 52, ठीक है, 1 बराबर 4, तो हमको सबसे छोटी भुजा 3 है, तो 3 बराबर निकालने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ठीक है 3 चौके 12, तो उत्तर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हमसे सबसे बड़ी पूछता तो हम लोग 6 से गुणा करते, अगर सभी भुजा पूछता तो पहली को 3 से, दूसरी को 4 से, और तीसरी को 6 से गुणा करते, इस हिसाब से हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो निसंकोच कोई भी क्वेश्चन को कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका पूरी पूरी तरीके से मदद किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है, तब हमको x मतलब मान निकालना है 4x + 5y अनुपात 4x - 5y का अनुपात निकालना है। देखिए ये वाला x का है, ये वाला y का, हमने पहले भी इस तरीके के सवाल बताए हैं। x की जगह पे 3 और y की जगह पे 2 रख लेंगे, 4 × 3 + 5 × 2 अनुपात 4 × 3 - 5 × 2, 4 3 12, 5 2 10 अनुपात 4 3 12 - 10, यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22 अनुपात, यहाँ पर घटा देंगे 2, काट लेंगे 11:1, क्या हो जाएगा 11:1 इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत ईजी सवाल हैं, इस तरीके से सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में आते भी हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो है क्वेश्चन को अच्छे से नोट करेंगे कॉपी में। यदि ए बटा बी बराबर 2/3 है, और b बटा c बराबर 4/5 है, तो हमको ज्ञात करना है a प्लस बी बटे ए प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी मान बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, a अनुपात b और b अनुपात c दिया गया है, तो पहले a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे, ठीक है, तो a अनुपात b और फिर b अनुपात c इस तरीके से दिया गया है। इसको इधर बढ़ा लेंगे, इसको इधर बढ़ा लेंगे, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है, और 4 3 = 12 हो जाएगा, 5 3 = 15 हो जाएगा, इस हिसाब से, ठीक है, a का मान 8 है, b का मान 12 है, और c का मान 15 है, इसमें रख देंगे, ठीक है। a प्लस बी यानी 8 + 12 बटे b प्लस c यानी 12 + 15, इसको हल कर लेंगे, 12 8 20 हो जाएगा, ठीक है, 12 8 20 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20/27, ठीक है, 20/27 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ये बेहद बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं उत्तर प्रदेश जो कि BTC या DLED है, और उत्तर प्रदेश लेखपाल या उत्तर प्रदेश पुलिस, कोई भी प्रश्न मतलब कोई भी परीक्षा हो सभी में पूछा जाता है। देखिए, कोई धनराशि है 1,25,000 रुपये, 1,25,000 धनराशि है जो कि XY और Z में बांटा गया है, अनुपात दिया गया है 2:3:5 दिया गया है, और X - Y के हिस्से में क्या अंतर होगा, यानी X - Y निकालना है। ध्यान समझिएगा, हम लोग को करना क्या है, मतलब यहाँ पर जो यानी रेशियो दिया गया है वही ही धन दिया गया है, तो यहाँ पर रेशियो जोड़ लेंगे, 3 और 2 5 5 10, यानी 10 रेशियो अगर जोड़ा गया, यानी 10 A या 10 मान लो, ठीक है, 10 मान लेंगे, ठीक है, 10 बराबर हो गया 1,25,000, ठीक है, 1,25,000, 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा,
ठीक है 12,500, ठीक है एक बराबर 12,500 निकल के आ गया। हमसे एक्स और वाई का डिफरेंट पूछा गया, एक्स का मान 2 है, ठीक है तो 2 बराबर हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 2 है, 2 बराबर हो जाएगा इसका 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है तो 2 बराबर हो जाएगा 125 दूना 250, ठीक है ये 2 बराबर हो गया और वाई का मान 3 है, तो वाई बराबर 3 दिया गया, इसको 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है तो हमारे कितना हो जाएगा, ठीक है इसमें और जोड़ देंगे 0 0, ठीक है ये 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमको डिफरेंस बताना है के बीच का अंतर। देखिए अंतर का मतलब माइनस नहीं होता है, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे, एक्स डिफरेंस वाई निकाल लेंगे, तो 3,750, ठीक है सॉरी 3,500 हो गया, और हमारा क्या है 25, ठीक 25,000 है। अब यहाँ पर घटा लेंगे, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यानी 2,500 डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2,500, ठीक है डिफरेंस कितना हो जाएगा 2,500। ये चीज़ें सभी को समझ में आ गई, ठीक है बस यही डिफरेंट पूछा गया था जो कि 2,500 इसका डिफरेंस है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला, यदि ए बराबर, ठीक है ए बराबर दिया गया 1/3b, ठीक है ए बराबर 1/3b दिया गया है, और बी बराबर दिया गया है 1/2c दिया गया है, तब ए बी सी का अनुपात निकालना है, ठीक है देखिए इसका मतलब क्या है, 1/2 बराबर 1/3, ये इधर आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, और 2/c बराबर 1/2 हो जाएगा। अनुपात याद कर लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। ए अनुपात बी बराबर 1:3 है, और बी अनुपात सी बराबर 1:2 है। इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे, इसको इधर बढ़ा देंगे, 1 × 1 हो जाएगा, 3 × 3 और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अनुपात हमारा 1:3:6 निकल के आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। चलिए क्वेश्चन में अगला देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.808 के बराबर हो, तो दोनों संख्याओं में क्या अनुपात होगा, ठीक है कोई संख्या है यानी एक्स संख्या का, ठीक है एक्स संख्या या ठीक है एक्स संख्या का 0.6 बराबर वाई संख्या के 0.08 के बराबर में है, तो एक्स अनुपात वाई यानी एक्स बटा वाई बराबर हो जाएगा 0.08/0.6, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, एक अंक में से पॉइंट लग जाएगा, काट दें अगर हम लोग इसको, ठीक है इसको काट दें, दो दूना 4 हो जाएगा, ठीक है 2 × 4 = 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 × 2 = 6 2 × 0 = 3 2 × 2 = 4 और 15 यहाँ पर आ जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:15, ठीक 2:15 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि ठीक है एक्स अनुपात वाई, ठीक एक्स अनुपात वाई बराबर हमको दिया गया 7:9 तथा वाई अनुपात जेड बराबर दिया गया है 15:7, तो एक्स अनुपात जेड हमको निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। देखिए एक्स अनुपात, ठीक है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड पहले निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का अनुपात निकल के आएगा, 7:9 हो गया और ये हो गया 15:7 हो गया, ठीक यहाँ पर 9 कर लेंगे, यहाँ पर 15 कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ कटने वाली गिनती हैं, हैं 3 से काट लेंगे, 3 × 3 = 9 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, ठीक है अब नहीं कटेंगे, तो 5 × 7 = 35 हो गया और 15 × 3 = 45 हो गया, 7 × 3 = 21 हो गया, ठीक है अब हमसे क्या कहा गया है, एक्स अनुपात जेड बताइए, ये एक्स का वैल्यू है, ये जेड का वैल्यू है, तो ये हो गया 35:21, ठीक है 35:21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ये चीज़ सभी को समझ में आ गई, ठीक है आप यहाँ पर काटना चाहें भी काट सकते हैं, 7 × 5 = 35 होता है, 7 × 3 = 21 होता है, तो 5:3 इसका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है 5:3 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए सभी को समझ में आ रही है वीडियो, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो सभी लोग कृपया करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 है का अनुपात किसके बराबर होता है? अनुपात का मतलब बटे में, तो 2 1.5 / 2 0.5 हो गया। ये वाला ऊपर जाएगा तो 2 1.5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, अभी डिवाइड में था तो इसकी पावर घट जाएंगी, ठीक है, इसकी पावर घट जाएंगी, तो एक काम हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा, चूँकि बेसिक हमारा बेस बराबर है लेकिन पावर अलग है, जब भाग में होता है तो उसकी पावर घटती है, जब गुणे में होता है तो उसकी पावर जुड़ जाती है, तो ये ऊपर जाएगा तो पॉइंट माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया था अनुपात, ठीक है, तो यहाँ पर बटे 1 हो जाएगा तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन बेहद आसान है, वीडियो बहुत अच्छी है। एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, इसमें 2.5 ग्राम सोना है तथा सेफ अन्य धातु है, तो सोना तथा वो धातु का अनुपात बताओ। देखिए कुल, अगर कुल धातु की बात कर लें, कुल टोटल धातु है, ठीक है, कुल अगर धातु की बात कर लें तो कुल है 12.5 ग्राम, ठीक है, और इसमें सोना, ठीक है, सोना दे दिया गया है 2.5 ग्राम है, अन्य कितना है वो भी निकाल लेंगे, ठीक है, अन्य क्या करेंगे 12.5 से 2.5 को घटा के निकाल लेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 ग्राम है, तो दोनों का अनुपात हमको बता देना है, ठीक है, दोनों यानी सोना और वो दोनों का अनुपात हमको बताना है, ठीक है। चलिए दोनों का अनुपात हो जाएगा बटे, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 25 से कम 25, 2500, तो 1:4 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1:4 इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध सोने और धातु, तो ये सोने का है, ये उप धातु का है, ठीक है, जो अन्य धातु इसमें मिलाई गई है उसका यहाँ पर हमारा क्या है मान है, ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। अगर वीडियो समझ में नहीं आएगी, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान हम लोग करेंगे ज़रूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि किन्हीं 3 संख्याओं का योग, ठीक है, 196 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात जो है, पहली और दूसरी का अनुपात दिया गया है तथा दूसरी व तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या बनाना है, सभी संख्याओं को मान लेंगे x और y और z मान लें, ठीक है, पहली और दूसरी, ठीक है, तो पहली और दूसरी हो गई, ठीक है, इनका अनुपात दे दिया गया है 2:3 दे दिया गया है, ठीक है, और दूसरी व तीसरी, तो दूसरी वाई मान लेंगे, तीसरी जेड मान लेंगे, तो इसका अनुपात दे दिया गया 5:8 दिया गया है, और हमसे एक चीज़ कहा गया है तीनों का योग यानी सभी का योग भी हमको दे दिया गया 196 दिया गया है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, हमको दूसरी संख्या बतानी यानी वाई का वैल्यू निकाल लेना है, आप समझिए, पहले सभी का रेशियो निकाल लेते हैं एक्स वाई जेड का, एक्स रेशियो वाई का रेशियो जेड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2:3 हो जाएगा और 5:8 हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा लेंगे, इसको इधर बढ़ा लेंगे, ठीक है, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 8 × 6 = 24 हो जाएगा। अब क्या बताया गया है, सभी का योग, इनका सबका योग कर लेंगे, ठीक है, 5 × 4 = 9 हो गया, ठीक है, 2 × 1 = 3 = 4 हो गया, 49 बराबर, सभी का योग बराबर हमको 196 है, यहाँ 49 196 वहाँ पर है, ठीक है। अगर हम लोग, ठीक है, 4 बार काट लें, ठीक है, ये 1 4 बार कट जाएगा, 1 यहाँ पर 1:4 है, वाई का मान निकालना है, वाई का रेशियो है 15, तो 15 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई का जो मान है दूसरी संख्या का मान है 15 × 60 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 15 × 60 इसका जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही बेहद बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे भी लग रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें, यदि कोई धन, ठीक है, राम और श्याम में 4:3 में बांट जाता है, यदि श्याम का भाग जो है वो 2400 रुपये है तो कुल धन बताओ, ठीक है, दो भाई हैं राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम में बांटा गया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, राम और श्याम में अनुपात बांट दिया गया, कोई धन 4:3 में बांटा गया है, श्याम का भाग दिया गया, ठीक है, श्याम का भाग, तो श्याम का भाग कितना दिया गया है 2400 रुपये है, कुल भाग निकालना, ठीक है, कुल धन निकालना, ठीक है, कुल धन बताना है हमको, ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पर रेशियो 4 है, ठीक है, श्याम का, सॉरी,
रेशियो हमारा 3 है और यहाँ पर 2400 है, तो 3 बराबर 2400, ठीक है, 3 बराबर 2400 दिया गया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2400 भागे 3 हो जाएगा, 3 और 8 24, 0000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 800 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भाग निकाल लेंगे, 4 बराबर हो जाएगा 800 × 4 = 3200, ठीक है, 3200 रुपये हो जाएगा। इसका 3200 हो गया और इसका 2400 हो गया, ठीक है। कुल धन बराबर दोनों का जोड़ देंगे, ठीक है, कुल धन बराबर। अब देखिए राम का निकल के आ गया 3200 रुपये और श्याम का 2400 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ लेंगे तो 3 × 2 = 5, ठीक है, 5600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कुल टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 5600 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। चलिए 24 नंबर बात कर लेते हैं, ए, ठीक है, ए बटा 3 बराबर b/7 = c/8 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू बता देना है। चलिए बहुत ही बेहद आसान सा क्वेश्चन है, इन दोनों को ले लेते हैं। तो ए ये वाला बटे में आ जाएगा तो बटे बी बराबर, ये वाला वहाँ चला जाएगा तो 3/7 हो जाएगा। इसी तरीके से बी बटे सी ये यहाँ चलाएगा, ये यहाँ चला जाएगा तो 7/8 हो जाएगा। तो बस ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे, ठीक है। ए बराबर 3 और बी बराबर 7, 3 रेशियो 7, यहाँ पर बी बराबर 7 है तो 7 रेशियो 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 यहाँ कर लेंगे और 7 यहाँ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ यहाँ वैल्यू सेम है तो ये हमारा 7 7 कट जाएगा, तो बस वही 3 रेशियो 7 रेशियो 8 आंसर आ जाएगा। अगर, ठीक है, अगर बी की वैल्यू सेम है तो हम लोग 3 रेशियो 7 रेशियो 8 सीधे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आखिरी देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आज कुल 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कराया है, अब अगले दिन नया टॉपिक लेकर के आएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि यदि ए अनुपात बी 5:7 है, ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 5:7, फिर बी अनुपात सी, बी अनुपात सी दिया गया है 6:11 है, ए बी सी का मान बताइए, ठीक है, ए बी सी का मान बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। देखिए ए और बी है 5:7 है और बी सी है तो 6:11 है, इसको हम लोग 7 कर लेंगे, इसको हम 6 कर लेंगे। कोई गिनती कटने वाली है, नहीं कटने वाली है, कोई रेशियो नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6×5=30 हो जाएगा, 7×6=42 हो जाएगा और 11×7=77 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी आप लोगों को और इससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप लोग आगे भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, इससे भी अच्छी वीडियो आप लोग को प्राप्त होती रहेंगी। आप लोग के लिए मैथ की क्लासेज हैं, यानी मैथ की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जितने भी मैथ हैं, जो भी रेलवे में मैथ जो पूछी जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पूछी जाती है मैथ, उत्तर प्रदेश लेखपाल में, वीडियो में, और उत्तर प्रदेश BTC या फिर BTC DL फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे या सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे, यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी सेमेस्टर होते हैं जहाँ जहाँ मैथ पूछी जाती है उन सभी के लिए ये मैथ की क्लासेज हैं। मैं लगातार मैथ की क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा, प्रतिदिन सुबह 7 बजे, ठीक है, प्रतिदिन सुबह 7 बजे आप लोग देखना मत भूलिएगा हमारा चैनल और हमारे द्वारा दी गई वीडियो को। आप लोग अगर अच्छी आपको वीडियो लगे तो एक बार लाइक कर दें और कमेंट में, ठीक है, नाइस वगैरह लिख के भेज दें, जिससे हमारा मार्गदर्शन हो और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का जो है हमें आगे मतलब जानकारी प्राप्त हो कि आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।